नाज़रीन, आप ये चावल का थैला देख सकते हैं जो इलाही नाम से है। ये अमृतसर की कंपनी सरवानी नाम की कंपनी इसे तैयार करती है, जिस पर गुम्बद खजरा की तस्वीर है और अल्लाह लिखा हुआ है। ये थैले के दोनों जानिब है और अल्लाह थैले के चारों जानिब लिखा हुआ है, जिसे हैदराबाद के कई दुकानों पर फरोख्त किया जा रहा है। मीरालम मंडी की एक दुकान राखी किराना पर इसे पाया गया, जिस पर राखी किराना के मालिक को इस बात का एतराज़ बताते हुए उन्हें 3 दिन से कहा जा रहा था कि इस चावल की फरोख्त को रोकें या थैले तब्दील करें, जिस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अपना कारोबार जारी रखा, जिसके खिलाफ आज मीरालम मंडी के इलाके में मीरचौक पुलिस स्टेशन पहुंचकर तंजीम इस्लाही माशरा के सदर जनाब हमीद रहमानी साहब और जनाब जिलानी ताहिर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद तजम्मुल अली ख़ान, HSTV के चीफ जनाब हशमत अली, न्यूज़ रिपोर्टर अजीज़ अली के साथ एक कंप्लेंट दर्ज की गई और सर्कल इंस्पेक्टर उपला नायडू को चावल का थैला भी दिखाया गया। ये जैसे ही खबर लाइव टेलीकास्ट हुई, जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और मीडिया के कई अफराद वहां जमा हो गए और आवाम भी कसीर तादाद में जमा हो गई, जिस पर एहतजाज करते हुए उपला नायडू को ये कहा गया कि फौरी चावल के थैले उस दुकान से जब्त करें। उन्होंने पहले तो एक्शन लेने से ग्रेस किया, बाद में आवाम और मीडिया की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए वो खुद चलकर दुकान का मुआयना किया और थैले जब्त किए। जैसे ही इतला आम हुई, जनाब मौलाना जाफर पाशा साहब भी मुकाम पर वाक़े पर पहुंच गए और मुकामी कारपोरेटर जनाब सुहेल खादरी भी मुकाम वाक़े पर पहुंच कर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। आइए देखते हैं हैदराबाद एक्सप्रेस की जानिब से ये तफसीली रिपोर्ट पेश है। हाँ, मीरचौक PS के पास अभी मीडिया की जानिब से पूरे आए हैं। हम यहाँ पे इस्लाही माशरा तंजीम के सदर जनाब हमीद रहमानी साहब आए हैं। क्या हैदराबाद में एक वाक़ा भी हुआ है, जो राइस चावल के जो बैग्स होते हैं उसके ऊपर अल्लाह नाम लिखाकर मदीने मुनव्वरा की तस्वीर लिखी गई है और ये मेला मंडी की मार्केट पर सेल हो रहे हैं, जिसको उनके कंप्लेंट दिए। आइए बात करते हैं रहमानी साहब, आप किसके मीरचौक PS में आए, क्या वाक़ा हुआ है अभी यहाँ पर? मंडी मीरालम के अंदर एक राखी किराना स्टोर बोल के हैं, जो राइस चाप है, जिसके अंदर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है गुम्बद खिजरा की जिस पे तस्वीर है और मीनार है और जिस थैले पर जो है प्रिंट लिखा हुआ है अल्लाह कहकर और अरबी में अल्लाह है, और उसको जो है वो जो दुकानदार है मारवाड़ी शॉप है और वो मैन्युफैक्चरिंग पंजाब की है, और वो थैला जो है मारवाड़ी की दुकान के काउंटर के नीचे है, पैरों के पास है, जिसे देखकर बड़ी हमें तकलीफ हुई और उस थैले को जो है ना मैंने परचेस किया 2400 रुपये में, उसने थैले को दिया। हमने लाकर यहाँ पर मीरचौक PS के जो है ना हमारे सर्कल इंस्पेक्टर नायडू साहब को जो है ना हमने राइटिंग में कंप्लेंट दिए। अब मैं तमाम अवाम से ख्वाहिश करता हूँ और अरबाब मजा से ख्वाहिश करता हूँ, हुकूमत से वक्त की हुकूमत से ख्वाहिश करता हूँ कि रोज़ बरोज़ हर रोज़ एक नए तरीके से मुसलमानों को जो है दिल शिकनी की जा रही है, उनमें ठेस पहुँचाई जा रही है और उनके जो है जज्बात से खेला जा रहा है। मैं तमाम दुकानदारों से, तमाम डीलर से ख्वाहिश करता हूँ कि जल्द से जल्द जिसके पास भी वो थैले हैं जिस पे गुम्बद खजरा का निशान है उसको जो है फौरन हटा दिया जाए। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो थैला जिस थैले में रसूलुल्लाह की जो है गुम्बद की फोटो है उसको फौरन निकाल कर एक सादा थैले के अंदर चावल को जो है बेचा जाए। हमें उससे कोई जो है हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, हमारे रसूलुल्लाह की गुम्बद की तस्वीर उस थैले पर है और थैले पर आप समझ सकते हैं कि हम्माल हजरात उस पर पैर रख के चढ़ते हैं जब लोडिंग होती है और बेचते हैं दुकानदार तो जो है उस खदमों के पास होती है। बताइए इससे बढ़कर और क्या शर्मनाक वाक़ा होगा? हमीद रहमानी साहब और हमारे ताहिर जलील साहब वगैरह, सुबह हम लोग आज ये दुकान पे आए हैं। यहाँ हमने देखा है चावल के थैले पर, जहाँ मदीने शरीफ के गुम्बद के खिजरा की एक जहाँ तस्वीर एक तरफ लगाई गई है,
वहीं अल्लाह का नाम लिखकर एक शॉप पर रखा गया था, जिसको हमने शॉप वालों से गुजारिश की और वो हालात को देखते हुए हम उनसे मुतालबा करते हैं पुलिस से कि फौरी वो एक्शन में आए और जो भी कंपनी है उस कंपनी को और उसके पूरे जितने माल सप्लाई कर रहा है वो पूरे थैले जब्त करें, वरना मजीद हालात हैदराबाद के खराब होंगे या और हैदराबाद ही नहीं पड़े पूरे इंडिया के हालात खराब हैं। इन हालात में हमको मिलजुल कर रहना है और ऐसे चीजों से नफरतें बढ़ेगी मोहब्बतें नहीं बढ़ेगी। हमारे सुहेल खादरी साहब भी तशरीफ फरमा है यहाँ और हमसे कमिश्नर सर्कल साहब हमारे यहाँ मौजूद है और हम सर्कल साहब से पर्सनल गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में फौरी एक्शन लें और फौरी इस सिलसिले में वो कंपनी का कौन है जिम्मेदार उस पर नोटिस जारी करें। इससे पहले भी जाके जो दुकान वालों को बोले के हटा दीजिए चावल बोले तो नहीं चलिए जो हो गया हो गया।